سفر ہے شرط، پانچویں قسط۔ نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے قبری رہی۔ مرزا اس اپنائیے تو لگاوٹ سے لکھنؤ کا تذکرہ کر رہے تھے، گویا ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا۔ میں نے کہا، مرزا جی، آپ کہہ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ کے رتبے کا اندازہ ان کے پاندان کے خرچ سے ہوا کرتا تھا۔ بھلا بیگم صاحبہ کے پاندان کا خرچ ہی کتنا ہوتا ہوگا؟ اتنا تام جھام اور اس میں پاندان؟ بیگم صاحبہ یا تو خود پان نوش فرماتی ہوں گی یا نواب صاحب کے لیے اپنے ہاتھ سے پان بنا دیا۔ بہت ہوا کوئی ملنے جلنے آ گیا تو پان سے تواضع فرما دی، بھلا ایسے میں پاندان کا خرچ ہی کیا ہوا؟ مرزا نے کہا، حضور درست فرماتے ہیں، پان اگر نوشے جاں کرنے کی چیز ہوتی تو خرچ کچھ بھی نہ ہوا، لیکن پان تو ایک تہذیب ہے، ایک مرثہ تہذیب، اور پاندان اس تہذیب کی علامت ہے۔ جتنا بڑا اور مرثہ پاندان ہوا، تہذیب کی علامت اتنی ہی پروقار ہوئی۔ پاندان میں صرف چھالیا، لونگ، سپاری، کتھا، چونا تھوڑا ہی ہوتا تھا۔ پاندان تو دو منزلہ ہوتے تھے، بالائی منزل میں پان اور لوازمات، اس کے نیچے جو خانے بنے ہوتے تھے اس میں دو آنی، چار آنی، آٹھ آنے، چھوٹی اشرفی، بڑی اشرفی، چھوٹا موٹا دیور، پہننے اتارنے کی انگشتریاں، جیسے جن کی جان توتے میں ویسے بیگم صاحبہ کی جان پاندان میں۔ یوں تو کسی کی مجال نہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے پاندان کو ہاتھ لگائے، حتیٰ کہ نواب صاحب بھی صرف نظروں سے طواف کیا کرتے تھے۔ یہ خزانہ تو بیگم کا صرف خاص تھا، ان کی کنیز خاص اس کی نگران ہوتی تھی۔ حمام سے پہلے بیگم صاحبہ اپنے سارے زیور اسی میں اتار رکھتی تھی۔ دیوڑی کے اندر جتنے ملازم ہوتے تھے، انائیں، ددائیں، کھلوائیاں، ماما، مغلانی، اصیل، کنیز، باندی، خلماخنیاں، جسولیاں، مالن، دھوبن، سب اسی ہاتھ سے یافت پاتی تھیں۔ پھر انعام، اکرام، خیرات، عطا، وظیفے، سب اسی دست پرتا پر تکیہ کیے ہوئے۔ مرزا کچھ رکے، پھر کہا، حضور، سائل بھی در شناس ہوتا ہے، اسی دروازے پر صدا لگاتا ہے جہاں سے امید ہو۔ حضرت ثاقب لکھنوی مرحوم نے کہا تھا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔
कभी किसी अजीज अकारिब रिश्तेदार के पास से कोई हिस्सा आता तो कश्तियां यूं खाली थोड़ी लौटाई जाती थी। रकाबिया तश्तरी में कम अज कम 5 चांदी के सिक्के और फिर भेजने वाले के मकाम और मर्तबे का लिहाज करते हुए इससे ज्यादा, साथ में चावल, पान, चिकनी, सुपारी और कुछ फवाकेहात के साथ कुछ कश्ती लौटाई जाती थी। कभी बेगम साहिबा को न्योता दिया जाता कि वह तशरीफ लाएं, या कभी उनका दिल चाहता कि अपने अजीज और अकारिब से मिल आए तो पालकियां तैयार हुआ करती थी। देवड़ी से बरामद होने से पहले हाजिब दोनों तरफ पर्दे थामे हुए, बेगम साहिबा के पीछे दो कनीदे गरारे के पैंचे संभाले हुए, खुदा झूठ न बुलवाए, 7.5 गज का पाजामा, आगे से बेगम साहिबा पैंचा हाथ पर डाले हुए और पीछे से कनीदे संभाले हुए लश्तम पश्तम पालकी में सवार हुई और पीछे 7.5 तेरी पानदान ये दूसरी पालकी में कनीज आन बैठी। अगली पालकी पर जरदोश ताऊसी रंग का पालकी पोश और पीछे कनीज की पालकी पाना तोड़े हुए, कहारों के आगे हाथे फटो बढ़ो की सलाह लगाते हुए। जब पालकी मंदिर को पहुंच जाती तो कहार देवड़ी में पालकी रखकर आवाज देते, फलां देवड़ी की सवारियां आई हैं, और बाहर को निकल आते। कनीजे पर्दा उलटकर बेगम साहिबा को सहन तक ले जाते मेजबान बेगम साहिबा सीढ़ियों तक उतर आती और सीने से लगाकर गले मिलती। शिकवा संज हुआ करती थी कि बहुत दिनों बाद सूरत दिखलाई, ईद का चांद हो गई। फिर मुगलानी को इशारा किया, वो आगे बढ़ी, कश्ती में चावल, काली माज, भिलाओं और सिक्के सदका उतार कर बांदी को दिया, जा कहारों को दे दे। बेगम साहबा हाथ थाम कर तख्त तक ले गईं, वो तशरीफ फरमा हुई तब आप बैठी। कनीज ने पानदान लाकर सामने रख दिया और मेजबान बेगम साहबा के आगे खमीदा होकर बंदगी सरकार कहकर उल्टे कदम पीछे को हो गई। लड़कियां बालियां सलाम को आईं, आदाब तस्लीम बंदगी। बेगम साहबा ने दहने हाथ की 4 उंगलियां कनपट्टी के करीब रख कर चिटकाईं, कोया बलाएं नहीं। फिर कहा, खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की आंखों की ज्योत सदा जागती रहे, जिन देवड़ियों में ब्याह कर जाओ वहां सदियों चराग जलते रहे। बादलों की ओर से सफेद घोड़ी पर सवार शहजादा ब्याहने को आए, चांद तारों की छाओं में डोली सिधारे। अजो दोपहर हुई, चराग चौकियों पर अनवा और शाम का ताम सजाया गया। बेगम साहिबा ताम से फारग हुई तो कनीज ने सलफची और आफ्ताबा खिदमत में पेश किया, हाथ धोकर पीछे को पलटी तो कनीज ने पानदान पेश किया और ऊपर की कश्ती उठाई। बेगम साहिबा ने मुट्ठी पर सिक्के उठाए और सलफची में डाल दिए। कनीज ने हाथ पर फिर पानी डाल दिया कि हाथों का धोवन भी तो तकदीर वालों को मिलता है। इतना कहकर मिर्जा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, अब आप फैसला करें, बेगम के रुतबे का अंदाजा पानदान के खर्च से हुआ कि नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया, मेरी आंखें दीदाए हैरा हो गईं। मिर्जा जी ने मुझे किसी तिलस्माती दुनिया में पहुंचा दिया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लखनऊ की तहजीब कोई शहजादी हो और किसी देव ने इसको कैद करके इसकी आंखों में सुइयां चुप दी हो और रिहायत की शर्त ये रखी हो कि तमद्दुन का शहजादा जंग करता हुआ इन गुफाओं तक आ पहुंचे, उसकी आंखों की सुइयां निकाल दे, तब रिहाई मिले। शहजादा अपनी तलवार से जर्द बेलों को काटता हुआ शहजादी को रिहाई दिलवाने के लिए उस तक पहुंच तो गया, लेकिन शहजादी की आंखों की सुइयां कब की जंग आलूद हो चुकी थी और आंखें खुली की खुली रह गई थी। हर तरफ जर्द बेलों का सहाब था। मुझे ऐसा लगा किसी का हाथ मेरे घुटने पर हो और वो इसे हिला रहा हो। मैंने चौंक कर देखा, मिर्जा जी थे, नीचे खड़े मेरे घुटने को हिला रहे थे। उन्होंने पूछा, हुजूर कैद तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ कुछ नहीं मिर्जा जी, ठीक हूँ, बस यूं ही कुछ खोसा गया था। मिर्जा जी चुप हो गए। सामने ही मुझे एक सक्का दिखाई दिया, उसने किसी राहगीर को झमझम करते कटोरे में पानी पेश किया। राहगीर ने पानी पीकर कटोरा वापस कर दिया और जेब से एक सिक्का निकालकर हाथ पर हाथ धरे हथेली में सिक्का यूं पेश किया जैसे किसी को नज़्म गुजरानी जाती है। मैंने मिर्जा जी से पूछा, ये क्या है? मिर्जा ने कहा, हुजूर
ये लखनऊ के वो सबका हैं जो राजगीरों को ठंडा पानी पिलाते हैं, वो तो है, लेकिन ये शब्द दोनों हाथों में यूं सिक्का क्यों पेश कर रहा है? मिर्जा ने कहा, पानी वो बेकीमत शय है जिसे लुत्फ कुदरत ने अपने बंदों पर आम कर दिया है, जिसके बगैर क्या नबात क्या हैवान, बल्कि कोई वजूद इसके बगैर जिंदा न रह पाए। जुल्म की भी एक हद होती है। ये सक्का करबला के उन शहीदों की याद में प्यासों को पानी पिलाते हैं जिनको बूंद भर पानी न मिला, इसका मुआवजा नहीं लेते, लेकिन लोग इस खिदमत को देखकर अपनी तरफ से कुछ न कुछ नजर कर दिया करते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब इनका एहतराम करते हैं। सक्का मेरे करीब पहुंच चुका था, मुझसे पूछा, पानी मुलाहजा फरमाएंगे आप? आप सर्द है, उसने कटोरा भर कर पेश किया। मुझे वाकई प्यास लगी थी। एक घूंट जो गले से उतरा तो कलेजे तक ठंडक की लहर दौड़ गई। पानी ठंडा था और सादा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ मेरे वजूद को मुअत्तर कर गया। मैं सोचने लगा, प्यास न होती तो पानी की हकीकत क्या है? बे इंतजार बारिशों के बाद जब कसो काशाक बह जाए तो यही पानी दरिया की सूरत मारा मारा फिरता है। प्यासी गागर न हो तो उबलते चश्मों का नगमा किसके लिए है? सूखे खेतों की जहाँ बलब जमीनें न हों तो अब्र की कीमत क्या है? आँखों को जलवे की प्यासी गागर न हो तो उबलते चश्मों का नगमा किसके लिए हो? सूखे खेतों की जहाँ बलब जमीनें न हों तो अब्र की कीमत क्या है? आँखों को जलवे की प्यास, समात को आवाज की प्यास, मशाम को शमी में पैरहने यार की प्यास, लम्स को किसी के भीगे बदन की प्यास, प्यास और पानी, पानी और प्यास का तुम तलब तालिब व मतलूब का रिश्ता है। आग दोनों तरफ बराबर की लगी है, हर आग पानी नहीं बुझा सकता, कभी कभी परस्ता पानी भी आग लगा देता है। जब पर खारुत हो, अब्र छाया हुआ हो, मेह बरसता हो, तब किसी बिरहन से पूछो कि कैसे बारिश का हर कतरा कटार की तरह बदन पर लगता है। बाहर मल्हार हो और अंदर की जलन राग दीपक की तरह सुलगती रहे, सुलगाती रहे। तलब इल्म भी प्यास है, इरफान आगही इंतजार मंदिल, किसी में जज्ब हो जाने की काहिश, दम हो जाने की आरजू, फना में बका, सब प्यास है। समंदर लाभ उतना ही है, मगर समंदर भी प्यासा है, किसी प्यासे की तलाश में। लेकिन जब प्यासा समंदर तक पहुंच जाता है और चुल्लू भर कर समंदर के मुंह पर मार देता है, तब समंदर को अपने बेवकत होने का अंदाजा होता है। मैंने पानी का आखिरी घूंट लेकर उसके हवाले कर दिया, फिर जेब से 1 रुपया का सिक्का दोनों हाथों पर रखकर नज़र करते हुए कहा, खुदा करे आपके हाथ में कभी दर्द न हो। उसने चौंक कर देखा, उसकी आंखों में कोई सितारा सा झलमिला रहा था, वो शायद प्यास और हाथ में कोई रब तलाश कर रहा था। सवारी आहिस्ता आहिस्ता विक्टोरिया स्ट्रीट पर रवान दवा थी। मिर्जा अपनी सोच में गुम थे, कभी सर उठाकर आसमान की तरफ देखते और कभी सर झुका लेते। मेरे जहन में ये सोच थी कि मिर्जा तो सिर्फ एक कोचवान है, और कोई कोचवान इस हद तक जबान अदब तहजीब माहौल रस्म रिवाज से वाकिफ होकर माजी के आईने खाने में हर दौर को यूं देखे जैसे हाल को देख रहा है, कहाँ तक मुमकिन है? अगर ये सब शनिदा है तो मानिंदे दीदा कैसा हो गया? सदियों पहले के माजी में उतरकर सैर करना कोई आसान बात भी नहीं, ये तो उसी से मुमकिन है जो सदियों का फर्जंद हो, जो माजी की तनाव खींच कर इसे अपने रूबरू करे, या फिर खुद माजी में जम होकर उसका हिस्सा बन जाए। तब कहीं ये मुमकिन है कि दरो दीवार होकर इससे गुफ्तगू करें। मौसम में हल्की सी तमादत आ गई थी, गोया बहार कच्ची कलियों के किवाड़ पर आहिस्ता दस्तक दिया चाहती हो और ये नवीद सुनाना चाहती हो कि पाल पोस्त का परवरिश करने वाले पत्तों को कोहनिये से पीछे ढकेल कर फूट पड़ने की रुत आ गई, भौरे के मंडलाने की रुत। मैंने पूछा, मिर्जा जी लखनऊ के मौसम कैसे होते हैं? मिर्जा जी के मुंह में पान था, वो इसे तेजी से चबाने में मसरूफ हो गए, फिर दाहने गाल में पान दबाए कहने लगे, मियाँ साहिब गुजरने को तो जिंदगी के माह हो साल गुजर गए, लेकिन अब तक ये पता न चल सका कि मौसम का ताल्लुक जमीन से है या बदन से।
कभी बदन में हरारत थी हरारत थी, तो सूरज की आंखों में आंखें डालकर यूं तकते कि वो बादल की ओट में हो जाता और इधर पलक न झपकती। अब तो बालों से बर्फ उलझने लगी है और बदन भी टूट कर बिखरने लगा है। ऐसे में क्या मौसम और कैसी गिनती, बदन पर बहार का मौसम हो और साथ हम सफर भी, तो तब तेरे इंतजारों में बबूल की शाख भी नकलस्तान हो जाती है। और अगर बदन खजा रसीदा होने लगे तो कैसा शजरे सबसकबा और क्या रंगे हिना। अब तो आईना देखे भी बरसों गुजर गए, आईना खानों में मलम्मा किए कांच के टुकड़े हर रुख से अक्स दिखलाए भी तो अपने मलम्मा साजी और रंग से फरेब देते हैं। यह आईना नहीं फरेब आईना है, आईना तो वो होता है जो शीशा बदन भी हो और रूबरू हो तो फर्त हया से पलकें बोझल हो जाए और पेशानी रख रख, तब आईने के चेहरे में आईना देखना अंदर के आदमी को रूबरू करना है। इसके बाद तो तराशीदम मैंने तराशा, परस्तीदम मैंने परस्तिश की, शिकस्तम मैंने तोड़ दिया। बस यही मौसम भी है और मौसम के रंग भी, वरना सर्दो गर्म सावन भादो सर्दी जाड़ा बहार और खजा तो सिर्फ हवाले हैं। वैसे गौर फरमाइए तो हुजूर, कितने मौसम हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, क्या आहट भी न सुनाई दे। कमसिन बच्चे की मुस्कुराहट, बेसाख्तगी का मौसम, नित नए खेल, बचपन के अपने आप का मौसम, खोज और जुस्तजू लड़कपन का मौसम, फिर इसके बाद तो ख्वाब का मौसम, ख्याल की फसल, आरज़ुओं का मौसम, तमन्नाओं की फसल, धूप छाँव का मौसम, चश्मे इल्तिफात की फसल, फिराक का मौसम, विसाल की फसल, जैसे पतझड़ के बाद मौसम में गुल कि जब बोर की रुत में हरी कांपलें रस लाती हैं और अनजान बादल मिलन का ख्वाब आंखों में उतार देते हैं, लेकिन यही ख्वाब यूं सारे कसबल डाल कर लिपट जाते हैं। जैसे मदन मस्त के पेड़ से सांप, मदन मस्त न हो तो सांप कैसा और सांप न हो तो मदन मस्त क्या। यही रिश्ता तो बदन के तकाजों और ख्वाब का रिश्ता है, इसी में हिजर की लज्जत भी है और वसाल की कसक भी। फिर तो हुजूर खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। शुक्रिया।